ओ जय जय राधा रमण हरि गो, जय जय जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं, सत बातों को सुन रहे हैं।
और सद बातों को सुनने का मतलब होता है सत्संग, और सारा दिन हम लोग असत बातों को सुनते हैं और असत के साथ हम संग करते हैं। इसलिए जो निरंतर निरंतर समझते हैं, हर रोज जो सत के साथ वार्ता करता है या उनकी वार्ता को सुनता है उसको कहते हैं सत्संग। तो दोनों वक्ताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, कंसाइज करके शॉर्ट में एक बात बोलता हूं। दुर्लभ मनुष्य देहम देही ना शनभंगुर तथापि दुर्लभ मने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, सुन भी लिया हजारों बार सुनते, और क्या बताया, दुर्लभ होने के साथ देही नाम क्षण भंगुर, और क्षण भंगुर भी है वो भी हमने सुन लिया। अभी कल का पता नहीं, सुबह देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कल का सूर्य उदय भी देखेंगे कि नहीं पता नहीं। ये दोनों इतना रेयर है, दुर्लभ है, लेकिन बोलते हैं इससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है, वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के भक्तों का जो दर्शन वो भगवान से भी ज्यादा दुर्लभ है। भगवान का दर्शन तो आप मंदिर में जाकर कर लोगे, लेकिन उनके भक्तों का दर्शन कहां करोगे, वो रोज उपलब्ध नहीं है, वो कभी कभी मिलता है। और जो वो भक्त आएंगे उनके साथ जो मेल मिलाप होगा तो उसमें असत बात नहीं सत बात की ही चर्चा होती है, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। कहीं से कोई एक टॉपिक एक सब्जेक्ट उठा लेते हैं और घूम फिर कर वो कहीं ना कहीं भगवान के साथ जुड़ जाता है, भगवान के साथ। जैसे सिंपल सी कहानियों के द्वारा समझाता हूं, स्कूल में एक प्रिंसिपल उसने एक नियम बनाया था, अभी जो महाराज ने कहा प्रभु जी ने कहा उसको लेकर बात बोल रहा हूं। स्कूल में प्रिंसिपल ने एक नियम बनाया था कि जो स्टूडेंट सुबह असेंबली में प्रेयर में 5 मिनट लेट आएगा उसके हाथ में एक केन पड़ेगी। अब तो खैर वो जमाना चला गया, लेकिन हमारे जमाने में होता था, अब तो इंडिया में भी कोई केन नहीं मारता, लेकिन उस समय हमारे समय में पड़ती थी। तो प्रिंसिपल ने ये एक रूल बनाया, एक प्रिंसिपल बनाया, और प्रिंसिपल भी वो प्रेमिसेस में ही रहता था स्कूल के, जैसे मेरे स्कूल में भी वो प्रिंसिपल वो उसी प्रेमिसेस में ही रहता था अपनी फैमिली के साथ। उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ता है। पिता ने बोला बेटा देखो मेरे को तो टाइम पर जाना है, आई एम वेरी पंक्चुअल, तुम अपनी माँ को थोड़ा सा खिलाकर दवाई देकर आना और टाइम पर आ जाना। तो प्रिंसिपल को जाकर थोड़ा फॉर्मेलिटी करना होता है और असेंबली एड्रेस करना है, सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, इसका अपना बच्चा ही 15 मिनट लेट आया। आज सारे बच्चे देख रहे हैं, ओहो हम पर तो इतना रूल चलता है, शासन चलता है, आज अपना ही बच्चा लेट आया, आज देखते हैं प्रिंसिपल क्या करता है। और प्रिंसिपल भी सोच रहा है मैं अच्छे से जानता हूं ये लेट क्यों आया, और मैं जब केन मारता हूं तो सच में बहुत लगती है, सच में बच्चा चिल्लाते हैं जोर से, अपने बेटे को कैसे मारूं। तो बेटे को बोलता है कि ऑफिस में आ जाओ, सारी असेंबली में सबके सामने, कम टू माई ऑफिस। अब सारे बातें करने लगे, देखा अपने बेटे की बात आई ना, अब पता लगेगा प्रिंसिपल का प्रिंसिपल क्या है, अब पता लगेगा। तो ऑफिस में जाकर वो बोलता है बेटा मैं तेरे को कैसे मारूं, मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरे कहने पर तुम देरी से आया है, लेकिन बहुत तेज लगती है, मैं कैसे तुमको मारूं। तो बेटा ने बोला पिताजी ये रूल आपने बनाया,
ठीक है, और अब तक आप इस रूल को फॉलो करते आ रहे हो, उसमें कोई भी क्यों ना हो, मैं भी क्यों ना हूं, इस रूल को हम सबको फॉलो करना है। मैं जानता हूं आपको, जब आप मुझको मारोगे आपको पेन होगा, लेकिन आपकी जो बदनामी होगी पूरे स्कूल में और मेरे को इतना जो कुछ सुनना पड़ेगा, वो पेन इस पेन से भी ज्यादा होगा। इसलिए आप अपनी ड्यूटी निभाओ, बस मैं तो ये कहना चाहता हूं। अब मैं आपका यहां पर बेटा नहीं हूं, आई एम योर स्टूडेंट एंड यू आर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। इतना बोलकर बेटा बाहर चला गया। अब सारे बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, आज पता लगेगा। तो इतने में प्रिंसिपल ने जोर से बोला, सो एंड सो कम फॉरवर्ड। अपने बेटे को बुलाया, व्हाई यू लेट टुडे? तो बोलता है, सर ऐसा ऐसा कुछ घर में प्रॉब्लम था, बट दिस इज द रूल ऑफ द स्कूल, 5 मिनट कोई लेट आता है तो उसको एक केन पड़ता है, शो योर हैंड्स। सारे बच्चे देख रहे हैं, ये क्या, हम तो सोचे थे अपने बेटे को मारेगा नहीं। तो जैसे उसने हाथ आगे बढ़ाया, प्रिंसिपल ने इतना जोर से मारा, धड़ाम करके उसका हाथ टूट गया। प्रिंसिपल ने कहा, दूसरा हाथ भी दिखाओ क्योंकि तुम ज्यादा लेट आया है। इसने दूसरा हाथ भी निकाला और दूसरे हाथ पे भी मारा। हमारे स्कूल में उस समय, मतलब 1989 की बात बता रहा हूं, जब केन पड़ती थी ना, तो उस हाथ से तो लिखा नहीं जाता था, क्योंकि सारा दिन बहुत दर्द होता था। आप लोग अमेरिका में तो ये सब नहीं चलता, सोच भी नहीं सकते, और इंडिया में पहले ऐसा होता था। लेकिन उसमें भी फिर एक ट्रिक होती है, अब तो खैर उस ट्रिक को बताने का कोई फायदा भी नहीं है, लेकिन सुन लो कभी ऐसा हो जाए तो। ट्रिक क्या होती है, जनरली अगर वो प्रिंसिपल या टीचर बोलता है हाथ दिखाओ मैं केन मारूंगा, तो बच्चे डर के हाथ ऐसे नीचे कर लेते हैं। वो जितना नीचे, जितना वो डिस्टेंस होगा केन का ना, उतना ज्यादा दर्द होगा। नीचे ना करो उसको हाथ को, उतना ऊपर कर लो, तो केन जब मारेगा ना, वो उसका उतना फोर्स से नहीं लगेगी, वो कम इफेक्ट होगा। ये बच्चे बड़ा ट्रिकी होते हैं। आप जितना डर के ऐसे नीचे करोगे, जितना वो डिस्टेंस होगा केन का, उतना फोर्स उसका ज्यादा होगा। अब हाथ ही इतना ऊपर कर लो कि उसका डिस्टेंस कम हो जाए तो कम लगेगा। समझ आए फॉर्मूला? तो अब तो कोई बताने का फायदा नहीं, अब तो कोई ऐसा रूल रहा ही नहीं एनीवे। और ये इंडिया से बाहर ये बात बोलता हूं ना, तो सबको बड़ा वियर्ड लगता है, ये क्या है। लेकिन खैर ये था। तो उसको जब दो केन पड़ी, उसको हाथ में दर्द हुआ, उसके हाथ में तो दर्द हुआ, लेकिन जितने स्टूडेंट्स थे सबने जोर से क्लैपिंग की। प्रिंसिपल को पेन हुआ, अपने बेटे को मार रहा हूं, अपने बेटे को लगा उसको भी पेन हुआ, लेकिन सारे स्टूडेंट्स ने क्लैपिंग की एंड एवरीवन अप्रिशिएटेड कि अपने बच्चे को दो बार मारा और हमको एक बार ही पढ़ती थी, इतना अप्रिशिएट किया। और ये सुनकर, ये देखकर बच्चा वो रोया नहीं, वो ही स्माइल्ड कि मेरे पिताजी को इतना फेम मिला, सबको इतना, सबने इतना अप्रिशिएट किया। ये एक स्टोरी है, इसका मतलब क्या, वही कर्म वाली बात है। एक भक्त भगवान से ये नहीं कहता कि ये भगवान मेरे कर्म फल आप खत्म कर दो। जैसा सबके साथ कर्म का फल होता है, मुझको उसको डबल पनिशमेंट देना क्यों? मैं नहीं चाहता कि आप पर दोष लगे। कैसा दोष लगे? पक्षपात, पार्शियलिटी का। आपने गीता में प्रॉमिस किया है, समोहम सर्वतेषु नामे दृष्टि अस्ति नामे प्रिया। भगवान गीता में कहते हैं, मैं सबके लिए एक बराबर हूं, किसी का मित्र नहीं, किसी का शत्रु नहीं, न्यूट्रल हूं, सबके लिए एक जैसा हूं। लेकिन दूसरी लाइन में भी कह दिया, फिर जय भजन तुम आम भक्तया, लेकिन मेरा जो भजन करता है
उसके प्रति मेरा झुकाव अवश्य रहता है। जे भजन तो मां भक्त तम तो तेषु चापि हो, उसके प्रति मेरा झुकाव तो जरूर रहेगा, आप कुछ भी कर लो, क्योंकि यही एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा डोमेन है जहां पर भगवान का अपना बस नहीं चलता, पक्षपात हो जाता है, ये पक्षपात हो ही जाता है, कितना भी वो कुछ भी बोल ले। आपने जो कथा सुनाई, हमने इसका दूसरा वर्जन सुना हुआ है। हाँ। कि उस दिन प्रिंसिपल ने कहा आज हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन है इसलिए सबको मार पिटाई माफ, सबको माफ कर दिया क्योंकि बेटे को पिटना। तो इसलिए भक्त ये कहता है भगवान आप मुझको क्षमा नहीं करना, कर्म विपाके गत गति पुना पुना मति रहू तुआ पर संगी, मेरे को मेरे कर्म के अनुसार मेरे को जरूर पनिश करना, मेरे को सजा देना जिससे आप पर दोष ना आए, और आप मुझको कष्ट दोगे तो मुझे पता है आपको भी दुख होगा, और मैं जब दुखी होऊंगा और कष्ट पाऊंगा तो उसमें आपको और अधिक दुख होगा, लेकिन मैं ये सुनना पसंद नहीं करता कि कोई ये कहे कि भगवान आप पक्षपात करते हो, आप पार्शल हो, मैं ये पसंद नहीं कर सकता, इसलिए आप मेरे को डबल पनिशमेंट देना, सारा जगत आपके गुणगान गाएगा, ये भक्त का स्वभाव है, वो अपने कर्म के लिए क्षमा नहीं मांगता, मेरे कर्म का फल मुझको दो। लेकिन फिर भगवान क्या करे, जे भजन तो माम भक्तया, जो मेरा भजन करता है उसके प्रति मेरा झुकाव रहता है, वहां पर भगवान स्वयं आ जाते हैं, स्वयं आ जाते हैं किसी ना किसी रूप में, या स्वयं आकर उसको इस स्थिति से, इस चीज से बाहर निकालते हैं। आप इस पर विश्वास करो या ना करो, ये बहुत सूक्ष्म और सटल डीलिंग्स है, इसलिए भक्त होना इतना इम्पोर्टेंट है कि भगवान स्वयं उसकी कर्मों को भी, उसके फल को एक छोटे में काट कर सबको दिखाकर कि मैं पार्शल नहीं हूं, लेकिन अंदर से पार्शलिटी रहती है। घर में माता पिता होते ना, बच्चा माँ का ज्यादा लगाव होता है, बच्चे से पिता का भी होता है माँ का भी होता है, तो माँ कहीं ना कहीं पार्शलिटी जरूर कर लेती है, कितना भी ऊपर से कुछ भी करे वो पार्शल रहती है। उसी प्रकार भगवान भी भले बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दें, अपना नियम बता दें, लेकिन जैसे जगन्नाथपुरी में देखो, जगन्नाथपुरी में सब अंदर नहीं जा सकते, यमन अंदर नहीं जा सकते, एक नियम है, भगवान उस नियम को भी पालन करते हैं, बोलते हैं अंदर आने के लिए तुम रोक सकते हो, मेरे को बाहर जाने के लिए तुम नहीं रोक सकते, तो स्वयं जगन्नाथ जी बाहर आ गए, मेरे को कौन रोकेगा, पतित पावन जगन्नाथ के रूप में। तो इसलिए भक्त होना कितना इंपॉर्टेंट है समझ लो, क्योंकि जाने अनजाने रोज हमसे कुछ ना कुछ होता है, और वो कर्म फल भोगे बिना रह नहीं सकते, एक साधारण व्यक्ति और एक भक्त उस कर्म फल को कैसे भोगता है, मैं सारे इंडिया के उदाहरण दे रहा हूं। इंडिया में जैसे अभी तो नहीं, पहले अगर स्ट्रीट डॉग अगर काट लेता था तो कितने इंजेक्शन लगते थे, 14 इंजेक्शन लगते थे, वो कहाँ लगते थे, पेट में इतना दर्द होता है, पूरा एक कोर्स होता है 14 इंजेक्शन इन द स्टमक, पहले ऐसा होता था। तो एक लड़के को काट लिया, वो डॉक्टर के पास गया, बोलता है पूरा कोर्स होगा 14 इंजेक्शंस, तो वो इंजेक्शन लगाने जब गया तो पेन, उसको इंजेक्शन पेन तो हुआ लेकिन हाँ थोड़ा सा माइल्ड स्माइल किया, दूसरा इंजेक्शन लगा, तीसरा लगा, चौथा लगा, जितनी बार इंजेक्शन लगाता है उसकी स्माइल बढ़ती जा रही है, जब 14th इंजेक्शन हुआ तो बड़ी तेज जोर से हंसा, डॉक्टर बोला भाई मैं जिसको इंजेक्शन लगाता हूँ वो रोता है, तू हंस क्यों रहा है,
बोलते मैं तो काउंट डाउन कर रहा हूँ इसलिए मेरे को बड़ी सेटिस्फेक्शन हो रही है, खुशी हो रही है, चलो चार रह गए, अच्छा तीन रह गए, अच्छा दो रह गए, अच्छा एक रह गया, ओ फिनिश। मेरे को तो उसकी सेटिस्फेक्शन हो रही है। इसलिए कर्म के फल को लेकर बैठने से परेशानी है, वो भुगत जाए, निकल जाए, बेटर है। वो जितना निकल जाए उतना अच्छा है। इसलिए गुरुजी बोलते थे ये स्थितियां और ये परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी आएंगी, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप आपके साथ हमेशा ठीक ही होगा? आप क्या बॉस हो क्या? आप भगवान हो क्या? आप क्या हो? आपकी स्थिति क्या है? थोड़े दिन के मेहमान 80-100 साल के, और आप सोचते हो भगवान हो गए, आप मालिक हो गए, आपको इन स्थितियों से निकलना ही पड़ेगा, कुछ भी कर क्यों ना कर लो आप। यू आर नॉट द कंट्रोलर, आप कंट्रोलर नहीं हो, आप एक देश के कंट्रोलर नहीं हो, पूरी पृथ्वी के कंट्रोलर तो बड़ी दूर की बात है, आप अपने घर के भी कंट्रोलर नहीं हो और अपनी बॉडी के भी कंट्रोलर नहीं हो। कैसे? एक पूरा दिन बिना पानी पिए कंट्रोल करके दिखलाओ अपने आप। अच्छा बहुत बहुत पानी पी लिया और जब नेचर कॉल हो जाए उसको कंट्रोल करके दिखाओ, कर सकोगे? इतना रेस्टलेस हो जाता है नेचर कॉल। कभी कभी हम कथा करते हैं 4-5 घंटे बैठना पड़ता है वहां पर, और अगर नेचर कॉल लग जाए इतना अनकंट्रोलेबल सिचुएशन हो जाती है, इतना अनकंट्रोलेबल कि बस पसीने छूट जाते हैं, अपनी बॉडी की अर्जिस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एंड वी अज्यूम वी आर कंट्रोलर्स। नो सर, वी आर नॉट कंट्रोलर्स, वी अज्यूम अवर सेल्फ वी आर कंट्रोलर्स वेयर एज वी आर नॉट। बस इसी बात को थोड़ा सा समझ नहीं ना। इसलिए वो कर्म का जो फल है उसमें भी हमारा कंट्रोल नहीं है, वो भुगत जाए निकल जाए अच्छा है, शांति मिल जाएगी। कट तो गया, एक इंजेक्शन निकल गया, काउंटडाउन शुरू हो गया। एक साधारण व्यक्ति और एक भक्त, ये दोनों सिचुएशन को अपनी तरफ से देखता है। एक भक्त उस सिचुएशन को कैसे देखता है? हां तत्नुकंपा सुस्विक्षमान, मेरा ही कर्म है, निकल गया, चलो क्लियर हो गया। तो गुरुजी बोलते हैं हंसकर करो या रोकर करो, और रोकर करोगे वो कम हो जाएगा, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है। अगर रोने से कम हो जाता तो गुरुजी बोल रहे थे कथा में मैं 4-5 घंटे रोज रो लूंगा, उससे होने वाला नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट द कंट्रोलर ऑफ दैट। लेकिन फिर आप कहोगे ये माला करने से, एकादशी करने से, सत्संग करने से ये सब होने वाला क्या है? फिर तो ऐसे ही रहो, फिर जब कुछ नहीं हो सकता तो होगा क्या? होगा बारिश आ गई, बार गाड़ी में बैठना है, बड़ी तेज बारिश, फ्लोरिडा में तो फ्लड हो रहा है, प्रभु जी भाग आए फ्लोरिडा के फ्लड से फ्लू होकर यहाँ आ गए, कथा करने के लिए यहाँ आ गए हेमा के पास है ना। अगर इतनी तेज बारिश हो रही है तो आप गाड़ी तक कैसे जाओगे? अम्ब्रेला निकाल दिया, जब अम्ब्रेला खोला तो अम्ब्रेला खोलने से बादल छट जाएंगे, बारिश रुक जाएगी, ऐसा तो कोई मैजिक है नहीं। हाँ एक काम हो सकता है, आप भीगने से बच गए, लेकिन एकदम अम्ब्रेला खोले तो ये तो है नहीं कि 2-4 बूंद भी नहीं गिरेंगी, लेकिन कितना प्रोटेक्शन तो हो जाता है कि 2-4 बूंद गिरेंगी, थोड़ा सा गीला होगा, सूख जाएगा, लेकिन पूरा भीगने से तो बच जाएगा, सिर पे मार नहीं पड़ेगी, सिर पे मार नहीं पड़ेगी। यही एक फर्क है एक नॉर्मल रेगुलर व्यक्ति और एक भक्त। रेगुलर व्यक्ति वो बारिश में जाता है पूरा भीग जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक कवच नहीं है, एक वो प्रोटेक्शन नहीं है, किसका? एक अम्ब्रेला का। लेकिन एक भक्त के ऊपर ही प्रोटेक्शन होता है, वो हर सिचुएशन को भगवान के साथ रिलेट करके देखता है। इसलिए
द पर्सन शुड बी सेटिस्फाइड कि मेरा ये एक समाप्त हो गया, ऐसे और कितने हैं, बिकॉज देयर एंडलेस लाइफ टाइम कर्मस वेटिंग फॉर मी. प्रारब्ध अप्रारब्ध पापम कूटम बीजम फलम मुखम क्रमेण प्रणंति विष्णु भक्ति रात्वत. भक्ति साम सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया, अभी जो हमारे साथ चल रहा है वो प्रारब्ध है, इसको कैसे काटेंगे, ये नहीं कट सकता. अब कोई ब्लाइंड जन्म लेगा, अब माला करने से उसकी आंखें आ जाएंगी क्या, इस बात को समझना. प्रारब्ध कैसे कटेगा, मुश्किल है, लेकिन उसके पीछे जो वेटिंग लिस्ट में है वो कट जाएगी. पीछे क्या है, अप्रारब्ध मींस विच इज नॉट राइप्ड येट, वेटिंग लिस्ट में एक गोडाउन में पड़े हैं. उसके पीछे एक और गोडाउन है, किसका, कूट. कूट मतलब वो पाप जो अभी बीज के रूप में बैठे हैं, सीड, अभी वो वेट कर रहे हैं कि ये पहले अप्रारब्ध हो जाए फिर हम आगे आएंगे, वी गेट राइट. ये पूरा स्टोर हाउस पड़ा है पीछे. तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं अप्रारब्ध पापम कूटम बीजम फलम मुखम, सॉरी, कूट मींस हीप ऑफ द सीड्स, वो भी वेटिंग लिस्ट में है. एंड देन देयर बीज मींस सीड्स, इतने सब वेटिंग लिस्ट में पड़ा है, किस किस को भुगतेंगे भैया. एक चीज सामने आ जाती है तो पूरी सिचुएशन बिगड़ जाती है लाइफ की. और ऐसे कितने पीछे बैठे हैं. तो क्या बता दिया, कोई रेमेडी है, ऑफ कोर्स है, हर चीज की रेमेडी है, कर्म फल की, प्रारब्ध की, और कोई हमसे कुछ गलत काम हो जाए उसका प्रायश्चित अटोनमेंट, कोई रेमेडी है, हर चीज की रेमेडी है. स्पष्ट रूप से कह दिया, कृष्ण भक्ति से वो सारे अप्रारब्ध जो वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं, जो बीज और जो हीप्स ऑफ बीज, ये तीनों कैटेगरीज एकदम जीरो नलिफाइड, ये समाप्त हो जाएंगे. और फिर ये जो अभी प्रारब्ध चल रहा है इसका क्या होगा, ये तो नहीं हो सकता, वो तो ये भी हो जाएगा. किससे होगा, एकमात्र नाम से. कोई इस पर विश्वास नहीं करे, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. लेकिन इफ वी बिलीव इन द स्क्रिप्चर्स देन वी हैव टू बिलीव दिस, बिकॉज एवरीथिंग इज बिलीव. आप फ्लाइट में बैठते हो तो क्या गारंटी है पायलट आपको डेस्टिनेशन तक ले जाएगा, यू बिलीव दैट, इसलिए आप फ्लाइट में बैठते हो. हर चीज में तो बिलीव होता है. फार्मेसी से मेडिसिन ली हमने, बिलीव है ये हमको ठीक कर देगा. जब बिलीव नहीं है तो क्या होगा. पूरे दिन से लेकर रात तक हमारी एक्टिविटी सब बिलीव पर ही रहती है, गारंटी तो नहीं होती. उसी बिलीव में स्क्रिप्चर्स के, शास्त्रों के बिलीव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. उसी बिलीव में रहेंगे हम, दे आर अवर अथॉरिटीज. और उसी बिलीव में कह दिया कि प्रारब्ध अप्रारब्ध पापम कूटम बीजम जाएगा कैसे, क्रमेण प्रलंति. उसका एग्जाम्पल दिया जैसे लोटस, कमल के फूल की जो पंखुड़ी होती है कितनी कोमल सॉफ्ट होती है, और 100 कमल की पंखुड़ी को ले लो और एक सुई ले लो, कितनी देर लगती है उसको पियर्स करने में, भेदने में, कितनी देर लगेगी, 1 सेकेंड खड़ा. लेकिन होगा सीक्वेंस से ही, ये सब सीक्वेंस से ही होगा. इसलिए हम जो नाम कर रहे हैं, हम जो एकादशी व्रत कर रहे हैं, हम जो सत्संग कर रहे हैं, जितनी भी भगवान से संबंधित जो वस्तु कर रहे हैं, संसार के संबंधित वाली नहीं कर रहे, किसी भूखे को खिला दिया, कंबल बांट दिया, वो नहीं. व्हेन भगवान इज इन्वॉल्व इन दैट, ऑल दोस एक्टिविटीज विच आर सेंटर्ड टुवर्ड्स कृष्णा, वो एक्टिविटी से दो काम हो रहे हैं हमारे. क्या दो काम, एक तो ये पिछला जो हिसाब किताब है वो जीरो हो रहा है, सीक्वेंस से हो रहा है, 1 2 3 4. लेकिन दैट्स अ सेकेंडरी, प्राइमरी क्या, धीरे धीरे भगवान के साथ हमारी अटैचमेंट बढ़ती जा रही है. एक मां को अपने बच्चे के साथ कितनी अटैचमेंट होती है, दिन रात उसी की चिंता रहती है,
दिन रात। क्या हमारी भगवान के साथ ऐसी होती है? नहीं। बच्चे की इतनी चिंता क्यों होती है? बच्चा शरणागत है माँ को। श्रील भारती महाराज जी उदाहरण देते थे, आपका बच्चा अभी सड़क पर बाहर जाए, सचिन प्रभु आपका बच्चा भी बाहर जाएगा, आप यहां बैठे रहेंगे? आप भागेंगे उसको पकड़ने के लिए। क्यों? वो शरणागत है, सरेंडर्ड है। लेकिन ये बच्चा जब 16 साल का बाहर जाएगा, आप पीछे भागोगे? इट्स नॉट सरेंडर एनीमोर। इसलिए वो बच्चा वाला स्वभाव आना पड़ेगा, मींस सरेंडर्ड मूड। तब भगवान उनको चिंता हो जाएगी, फिर हमको चिंता नहीं होगी। अर्जुन ने कह दिया, कल सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ को मार दूंगा, अगर नहीं मारा तो मैं क्या करूंगा? अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ये बोलकर चादर तान कर सो गया। और भगवान सारी रात टहल रहे इधर उधर, इनको नींद नहीं आ रही, क्या करूं कैसे करूं। इसने तो संकल्प ले लिया, वो तो खराटे मार के सो रहा है। चिंता किसको हो रही है? क्यों? क्योंकि अर्जुन शरणागत है और भगवान कैसे टॉलरेट करे। इसलिए अगले दिन युद्ध में अर्जुन को चिंता नहीं है, चिंता हो रही उसको जिसके शरण में है। शरणागत को चिंता नहीं, चिंता जो जिसको शरणागत है उसको चिंता। तो वी हैव टू मेक दैट भगवान इन चिंता। कैसे? शरणागत होने पर। हम उनको तंग नहीं कर रहे हैं, कष्ट नहीं दे रहे, लेकिन सरेंडर की बात है यहां पर। इसलिए हर रोज इसी प्रकार से विद फेथ विद बिलीव एज वी हैव बिलीव विद ऑल अदर एक्टिविटीज इन अवर लाइफ, इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग, इन टर्म्स ऑफ अवर बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ एवरी अदर एस्पेक्ट, वी ऑल्सो हैव टू हैव दिस बिलीव दैट एवरी एक्टिविटी ऑफ कृष्णा as auspicious, mangal bhavan amangal hari, there is never a mangal, not inauspicious in any of his activities, even though if you are his devotees, believe that, there is no doubt. Hare Krishna. Hare Krishna. Bolo sab ek bar, Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Krishna. Bolo ek sath bolo. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।